आज हम सीखेंगे फिजिक्स के पेपर के अंदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की हेडिंग देना। जैसा कि हमें जानते हैं कि फिजिक्स के पेपर के अंदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो हैं वो पेपर में आती होती हैं, या लॉन्ग में या शॉर्ट में दो या तीन पूछी जाती हैं। तो उनको उनकी हेडिंग पेपर में किस तरह से बनाएंगे उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मैकेनिक्स। ऐसे आप सबसे पहले खूबसूरत सा एम बनाएं, यहाँ से नैरो और ये डिज़ाइनिंग कर ली हमने, फिर ऐसे उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें इसको। ऐसे ए एन आई सी और एस, एस को साथ आप थोड़ा सा स्टाइल बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। मैकेनिक्स, सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ गई मैकेनिक्स की। उसके बाद दूसरी जो हेडिंग देंगे वो आप दे देंगे हीट की। हीट के लिए ऐसे सबसे पहले एच, खूबसूरत सा एच बनाएंगे ये, उसके बाद ऐसे एच ई ए टी, ये आपके पास हीट की हेडिंग आ गई। इस तरह से आप पेपर के अंदर हेडिंग देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें, पेपर आपको खूबसूरत हो। नंबर थ्री पे साउंड, एस ओ यू एन डी, साउंड, ये आपके पास तीसरी ब्रांच आ गई। उसके बाद लाइट, एल ऐसे बनाएंगे यहाँ से, फिर बोल्ड एल आई जी एच टी, ये आपके पास लाइट आ गई। इसके अलावा आपके पास और कौन सी ब्रांचेस हैं? प्लाज्मा फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। सबसे पहले हम लिख देते हैं एटॉमिक फिजिक्स को। ऐसे आप ए बनाएंगे, एटॉमिक फिजिक्स, यहाँ से आप पहले नीचे लेके जाएंगे नैरो से, सारा काम नैरो करने के बाद फिर यहाँ पर आगे बोल्ड, फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स, उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स कर देते हैं। नैरो से करेंगे सारा पी कटाइन, फिर मेन जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसको आप बोल्ड कर देंगे, प्लाज्मा फिजिक्स। ये आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स आ गई। उसके बाद जियो फिजिक्स, जियो फिजिक्स, जियो फिजिक्स लिख देंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लास्ट ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आप टी का स्टाइल बना दें, थोड़ा सा कोई भी बना सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में एम वैसे ही स्टाइल से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ऐसे
फिर एन, ऐसे ठीक हो स्टाइल बनाने के लिए ताकि खूबसूरती आ जाए, ऐसे ये आपके पास मैग्नेटिज्म आ गया। तो ये थी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स।